अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। इसके पश्चात हमारे जो पिछली विधानसभा के प्रत्याशी थे भाई प्रदीप जी, केवल उनका और भल्ला जी भी आ रहे हैं, उनका रास्ता देख रहे हैं। 5 मिनट टेस्ट में गए थे, यहाँ से भोपाल चौराहे तक मेरा ख्याल आगे होंगे, इधर जाम दे गए। व्यवस्था को वापस हम बहाल करवाएंगे, इसी आशा के साथ जय चौका का देवा देवा देश में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती थी, वो आज कांग्रेसियों से युक्त होता जा रही है रोज दिन प्रतिदिन। आज हम उन गद्दारों का पुतला जलाया, ये वो गद्दारों की टीम बन गई है देश के अंदर, जो कांग्रेस के अनेक पदों पे रहने के बाद कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। ये वो गद्दार है सुरेश पचौरी, राजू खेड़ी पूर्व सांसद, संजय शुक्ला पूर्व विधायक, विशाल पटेल पूर्व विधायक और ऐसे अनेक कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कांग्रेस से कम 50-50 साल से फायदा ले रहे थे और आज कांग्रेस जब संघर्ष कर रही है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, जीतू पटवारी जी, आज हमारे बीच में अरुण यादव जी, दिग्विजय सिंह जी, अजय सिंह जी, ये सारे संघर्ष कर रहे हैं। पिछला चुनाव हम किन कारणों से हारे मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये गद्दार जो बगल लड़े, इनको रक्षा मंत्री तक बनाया सुरेश पचौरी को, 18 साल तक राज्यसभा का सदस्य बनाया, मध्य प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, अनेक पदों पर रहने के बाद ये लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में डर और भय पैदा कर रहे हैं। हम सब कांग्रेस के ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम ये बताना चाहते हैं, हम मरते दम तक सब कांग्रेस के साथ रहेंगे, चाहे कांग्रेस जीते चाहे हारे, लेकिन कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस की नीति और रीति के साथ रहेंगे। कांग्रेस ने इस देश में आज़ादी की लड़ाई से अभी तक के पूरा विकास दिया है, हर चीज़ देश को कांग्रेस ने दी। ये तो मोदी और शाह जी के लटके झटके से लोग वोट दे रहे हैं या कुछ धार्मिक भावनाओं से वोट दे रहे हैं, वरना दरअसल पे इनके पास कुछ नहीं है। आज महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है,
किसान गोली खा रहा है, स्वास्थ्य की सुविधा है ही नहीं, शिक्षा की सुविधा है ही नहीं, केवल झटके लटके देके और इस भारत की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। मैं तो उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आप इन सड़े गले नेताओं को लेके अपनी पार्टी को क्यों सड़ी गली बना रहे हो। ये जब यहाँ इनका पेट नहीं भराया तो ये तुम्हारे उन कार्यकर्ताओं का भी पेट नहीं भरने देंगे और ये लूटेंगे और लबूरेंगे। जब आप इनको लात मार के घर से बाहर निकालोगे उस दिन शौकत हुसैन आपको याद आएगा कि सही बाइट दी थी, सही पुतला जलाया था। मैं आपसे एक बार और आगाह करना चाहता हूँ कि सड़े गले फलों को ले ही मत जाओ। आपकी जो कांग्रेस पार्टी की जो वरिष्ठ नेता है वो इनको ऐसा नैतिक सिद्धांत ऐसा ज्ञान क्यों नहीं देते कि छोड़ के ना जाए, मतलब नैतिक शिक्षा क्यों नहीं देते, क्या कारण है? दुनिया में सबसे बड़ा जो पैसा होता है उस सिद्धांत सारे पैसे जाके खत्म हो जाते हैं। ये कांग्रेस से दुनिया भर का पैसा कमा के गए तो सिद्धांत को ताक में रख गए, लेकिन मेरा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी वाले उनको कीक मार के बाहर निकालेंगे सड़े गले फलों को इनको। आपका नाम? मैं शौकत हुसैन, पूर्व प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष, और मेरे देवास के सभी युवा साथी प्रदीप भाई, दीपेश भाई और जितने भी हमारे आए भल्ला जी वगैरह सब।